And what happened if someone's phone will go down? It's closed? Because you are local, so that is why. जितना भी ट्रक कमाएगा उसका 25%. सुबह मैंने किसी से मांग के टूथपेस्ट की है, गोरी थी मेरी. कार उठा भाई, वाईफाई बहुत स्लो चल रहा है. 10 मिनट रह गए भाई, उसके बाद में नाश्ता नहीं मिलेगा. बाइक अपनी है, आगे हुए ब्रेड आगे गर्म हो गए. लिखा हुआ कि आप रूम में नहीं लेके जा सकते. आज का अपना हो जाएगा ना, ये दही हो गया, जैम, ये सिर्फ, अभी आलू. अंडा खाने का मेरा कोई मूड नहीं था. 10 मिनट रह गए, 10 मिनट के बाद में ये ब्रेकफास्ट बंद करके भाग जाएंगे. फिर बाद में पैसे का मिलेगा, फ्री नहीं मिलेगा. शॉर्ट्स होती ना दो लेके आए हूँ, ऐसा मत समझना कि मैं ही कपड़े पहन के चल रहा हूँ. टी शर्टें मेरे पास दो हैं, पैंट भी पड़ी हुई है एक बीच में. सारा बार मैंने अपने कंधे के ऊपर ही उठाया हुआ है, उस दिन से चेंज कर रहा हूँ आज. बाद में ऐसा ना हो मोटरसाइकिल भी लाद मार के उतार दे कि चल भाई तेरे से बदबू आ रही है. सत श्री अकाल एवरीबडी, की हाल चाल. चढ़ती कला ही होनी चाहिए है. अभी यहाँ से भी निकलने का टाइम आ गया भाई. अभी 1500 किलोमीटर विनीपेग से आगे अभी वापस 1500 किलोमीटर की तैयारी है. लेकिन मेरे को मालूम नहीं मैं पहुँचूंगा कौन से दिन. पता नहीं 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे. ड्रोन ना होने के चक्कर में हम लोगों ने जो मिस किया है ना भाई, वो ये है. देखो आगे, वो नीचे स्टेडियम बना हुआ है, यहाँ से ड्रोन जाती है आराम से. सारा व्यू आने वाला था ये वाला. और होटल बड़े मस्त जगह पे लिया था मैंने. बाबा जी भला करना, अभी तक तो सारा कुछ ठीक गया, आगे भी ठीक करना. चलो आपको पहले लेके चलते हैं अभी कनाडा के सबसे हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर. याद रखना भाई, इसमें पेट्रोल भरवाना वापस निकलने से पहले. इस तरफ देखे ना, मेरे को बड़ा आ रहा है कि मैं अपनी बाइक इसमें लोड कर दूं. अभी हिम्मत नहीं छोड़ेंगे. वैसे मैंने कल बाइक बहुत कम चलाई है और आज मेरी बॉडी कल से थोड़ा ज़्यादा ठीक हो गई. ये वाले रोंडापुर से हमने कल लेफ्ट लिया था ना, अभी ये वाले रोंडापुर से सीधा निकल जाएंगे. यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव है, बोलते हैं गोल्डन डियर का साइन है. ओह आगे से गाड़ी भी आई, वाह. गोल्डन स्काई ब्रिज 1 किलोमीटर, ऐसा रोड होना चाहिए ऊपर जाने के लिए. वाह वाह वाह, मज़ा आया है भाई देख के. काश आज ड्रोन होती तो. आज मौसम देखो, धूप निकली हुई है, ऊपर उड़ा के यहाँ से शॉल देने थे यार, सब खत्म हो गया. उतना दुख मेरे को नुकसान होने का नहीं होता, ज़्यादा दुख मेरे को ये होता है कि ऑन द स्पॉट मेरे पास अभी चीज़ नहीं है. वेलकम गोल्डन स्काई ब्रिज, वेलकम वेलकम वेलकम. यहाँ से अगर दूर जाना पड़ा ना चल के तो इतने बैग लेके जाएंगे कैसे. मसला तो ये है, मैंने किसी को नहीं बुलाया फिर भी बंदे पहुँच गए. कोई है इनको? ये भी भाई आपका पीछे आ रहा है और आप लोग पहले ही पहुंचे हुए यहाँ पे. टिकट लेनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए. ले ली भाई $42 की. मेरा सामान इन्होंने अंदर ही रखा लिया, ये इनका रेस्टोरेंट है बाहर. बड़ा अच्छा बैठने के लिए बना हुआ है, ये सारे बेंच लगे हुए हैं. आग जलाई हुई है, आग तो पहले ही लगी हुई है भाई. एक्सक्यूज मी, हाउ मच टाइम डू वी नीड टू गो देयर फॉर द लूप? या हाफ एन आवर भाई. पहले तो मोबाइल जेब में रखता हूँ. और ये देखो ब्रिज भाई, ये हिलता है. हाँ लेकिन नीचे बंदा चला गया तो बंदा वापस नहीं आएगा, ये गारंटी है. एंड व्हाट हैपेंड इफ समवन्स फोन विल गो डाउन? इट्स गॉन. मोबाइल या हाफ में आ गया भाई, हाफ में. ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया. और नीचे पानी देखो. और यहाँ से आप जाएंगे ना तो घूम के ऐसा जाके वो सामने देखो, दो बंदे वापस जा रहे हैं ना ब्रिज के ऊपर, ये देखो. बस यार यादें साथ में लेके जानी थी. ये देखो पूरा हिलता है ये. अभी मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया ना तो मोबाइल से भी जाते रहेंगे. वैसे तो इन्होंने बड़ा सिस्टम किया हुआ है, इस साइड में भी फटे लगाए हुए हैं, इस साइड में भी फटे. जो बंदा हाइट से डरता है ना उसको आने की जरूरत नहीं है. ये बड़ा खतरनाक काम हो गया भाई. लेकिन अपने पास टाइम नहीं है, मैंने जाना है वापस कैलगरी. तो अगर यहाँ पे जाएंगे तो 1 घंटा लग जाएगा पूरा लूप निकालते निकालते. दुबई गए थे ना घर वालों के लिए, जगह ढूंढ रहे हैं कौन सी अच्छी है. अभी बाइक पे आया हूँ, स्पेशल अंदर आया, $42 दिए, आधा घंटा भी अंदर नहीं रुका, वापस जा रहा हूँ. उनके लिए जगह देख ली भाई कि ये भी बहुत बढ़िया है. अभी अपने को भाई निकलना है, वेस्ट लेना पड़ेगा इस साइड में, कैलगरी वाली साइड में. यहाँ से कोई भी पेट्रोल पंप नहीं आता. गोल्डन का जो मेन शहर है वहाँ पे फ्यूल डाल के आए. और ठेले वाले भाई देखो मज़े से अपना मोबाइल देख रहे हैं सेंटर में लगा के, कोई टेंशन नहीं भाई. हाँ ठीक है आंटी जी, ठीक है. वेलकम टू गोल्डन. गोल्डन हमारा फाइनल डेस्टिनेशन रहेगा भाई.
इस ट्रिप का, इससे वापसी होगी हमारी। अगर इससे आगे चले गए तो फिर वापस कैसे आएंगे, उसका सवाल का जवाब मेरे पास है नहीं एक्चुअली। यहाँ से ही हम चाय उठा के जाते हैं, ये तो बंद है, गरीबी आई हुई है इनके ऊपर भी। पहले मेरे को कुछ और ही लगा उसकी तरफ देख के, लेकिन अभी मेरे को मालूम पड़ा कि वो भाई ठीक नहीं है। ओ भाई, मेरे लाखों डॉलर गिर गए नीचे। ये भी सही, अंदर नहीं जाना पड़ता। इतनी भूख तो मेरे को नहीं लगती जितनी मेरी बाइक को लगती है भाई। ये चाहिए हमको सबसे महंगे वाला, ये खाती महंगे वाला है। ये हमारी इंडियन है गोरे के साथ में। ऐसी जोड़ियाँ भाई यहाँ पे देखने के लिए आम मिल जाती हैं। अभी तो 6 लीटर आया यार, 100 की स्पीड पे आया ना कल मैं, तो इसने भाई पेट्रोल ही नहीं खाया, देखो हद हो गई। वो अपनी गाड़ी कौन निकाल रहा है? नहीं नहीं, कोई और है गोरा। खाना मैंने कुछ नहीं है, फ्री का नाश्ता किया हुआ है आपके भाई ने। मैंने सुबह 9 बजे अपलोड पे लगा दी थी, अभी तक अपलोड नहीं हुई भाई। आए हाय, ओए तेरा पीटर बेल्ट, ओए दिल निकाल के ले गया ओए। ये तो गलत बात है ना, ये तो फिर सही बात नहीं हुई भाई जी। इस क्लोज, ओके थैंक यू। जल्दी मान गया भाई, देखो मैं वो सोच रहा था कि ये लगाएगा 1-2 घंटे यहाँ पे, मेरे पास 1-2 घंटे नहीं है भाई, मेरे को वापस जाना है। अरमान की याद आ रही है, वेलकम टू गोल्डन भाई। छोटे छोटे ग्रेवल के दाने बिखरे होंगे। अगर आपके सामने गाड़ी जा रही है थोड़ी थोड़े गैप बना लो, और अपनी स्पीड भी बाइक के ऊपर खास करके कम रखना, क्योंकि मेरा जो रेडिएटर है वो कवर नहीं है नीचे से, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या होती है कनाडा में, सामान ही नहीं मिलेगा 3-3 महीने, मसला ये है। टैंकी हो गई फुल, कर गई चुल चुल चुल। जाओ जाओ मजे करो मजे, आपके तो फोन भी सामने हैंग हो जाते हैं, आपका तो सामान भी आ जाता है सारा टैंकों में। मैं कहाँ जाऊँ, मैं पहाड़ से छाल मार दूँ आपकी बाइकों को देख के। लेकिन ये जो इश्क आ रहा है ना मेरे को, ये इश्क इनको नहीं आता भाई, मुश्किल सा इश्क है लेकिन आ रहा है। जो बंदा सही से काम नहीं करता, फिर ये ऐसे क्रेन से लटका देते हैं उसको ऊपर, वो देखो लटकाया हुआ है ना, इसलिए भाई बात मान लिया करो, गुस्सा बहुत करते हैं ये लोग। मजा आ गया भाई, इतनी सी चढ़ाई में ड्राइव करके मजा आ गया। मैं पता क्यों भगा रहा हूँ, क्योंकि 2 बाइकों वाले मेरे से अभी थोड़ा ही आगे हैं। ओह व्हाट अ सीन मैन, व्हाट अ सीन, व्हाट अ सीन। कारों वाले सब देखते ही रह गए कि भाई कहाँ गैप हो गया। भाई भाई कभी कभी ऐसा ही करता है, भाई के पास में मिसाइल है, दोनों बूढ़े बूढ़े से हैं भाई, पुराने राइडर हैं। मैंने सोचा कितनी भगा लेंगे ये, इतनी तो हम भी नए ड्राइवर नहीं है भाई। बाकी चलो होता तो ऊपर वाले के हाथ में ही है, लेकिन रखनी इनके पीछे ही है, ऐसे ही जाना है ऐसे। मैं यही सीन मिस कर रहा था 3 दिन से कि भाई बाइकें हो 3-4, अभी मजा आना शुरू हो गया। हाय हाय, ये भाई चढ़ेंगे पहाड़, इन्होंने कर लिया अपना सामान रेडी। क्या गाड़ी है भाई, ये अंकल है, अंकल के साथ में उसकी वाइफ है। क्या जबरदस्त गाड़ी भाई, मजा आ गया देख के। सुपर चार्ज कॉर्बेट है, बढ़िया बंदों के पास ही हो सकती है। यहाँ से नजारा देखो भाई, मैंने ऐसे ही बाइक थोड़ी सी नीचे ली है, वाह। और ये साइड देखो, वाह, मैंने जहाँ से यू टर्न मार लेना, मेरा अंदर काम कोई नहीं, ये फील्ड फील्ड गांव है, फील्ड को तंग नहीं करना भाई। यहाँ पे आके चाहे ब्रेक मारनी, बढ़िया ब्रेक मार लो। उसने ट्रैक चेंज करके उसको ओवरटेक पे लगाया हुआ है, वो भी सच्चा है भाई। बाद में मेरा तो कोई चक्कर नहीं, मेरा मोशन तो बन जाएगा, उसका मोशन नहीं बनेगा, इसका मोशन तो बेचारे का पहले ही टूटा हुआ है। इनकी फीलिंग्स को हम अच्छी तरह समझते हैं भाई, पहाड़ों में बाइक चला के आनंद बहुत आ रहा है, आनंद। सारे ट्रैफिक देखो इतनी स्लो जा रही है पुलिस वाले की गाड़ी को देख के, ऐसे हम पुलिस वाले के पास में नहीं जा सकते। हेलो सर, आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग, इफ आई गो टू बैंफ इनसाइड, इफ आई विल गो बैंफ इनसाइड, यू वांट टू गो टू बैंफ, बैंफ इनसाइड द बैंफ, सो देयर इज अ पार्किंग विद द बाइक्स, और बिकॉज़ यू आर लोकल सो दैट इज व्हाई। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू। इसको भी मालूम नहीं है भाई, अगर तुम लोकल नहीं हो तो फिर भाई फायदा क्या है तुम्हारा यहाँ रहने का। मेरा बैंफ जाने का मन कर रहा है अंदर यार, बाइक मेरे साथ में खड़ी रहे तो मजा आएगा, अदरवाइज नहीं तो कोई फायदा नहीं है। पीछे सारे बंदे लाइन चेंज करके ही आ रहे हैं, इसको तो रोका हुआ है, इसको तो प्यार देंगे वो बड़े आराम से। पीछे खड़े हैं 2-3 कारों वाले, वो इनको बता देते हैं कि कौन सी गाड़ी रोकनी है। बैंफ जाने का प्रोग्राम तो फिर कैंसिल ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अंदर गया, आपको मालूम है कार पे हमने ट्रिप किया था, तो तब हमने कार बहुत दूर पार्क की थी, और ये सारा सामान हेलमेट ये सब लेके अंदर जाना पड़ेगा, तो बड़ा मसला बन जाएगा। यहाँ पे भी किसी को रोक के उसको टिकट दे रहे हैं। एक बार फिर से स्वाद ले लेते हैं, स्वाद। एक चीज आपको बताता हूँ कि कल से ना
आज थोड़ी हालत मेरी ठीक हो गई। मैंने पहले 50 किलोमीटर चला के एक बार रोका, अभी खींच के लेके आया पूरा 100 किलोमीटर। तो अभी हम आगे वापस कैन मोर में कैलगरी से बिल्कुल पास। अगर मैं आज कैलगरी रुक गया तो मेरे को वापस विनीपेग जाने में 2 दिन और लगेंगे। लेकिन अगर मैंने आज कैलगरी क्रॉस करके 200-300 किलोमीटर निकाल दिया, हिसाब लगा लो कि हम कल शाम को कोशिश कर सकते हैं कि विनीपेग वापस पहुंच जाए। टिम मॉर्टन उठाया, रैप उठाया, दबा के बाइक लेके आया हूँ। अभी इसका टेम्परेचर ना यहाँ पे 96 हो गया, तो मेरे को ना नीचे से पखे की आवाज़ आई। मैंने पहली बार सुनी है एक्चुअली। इसमें लिक्विड कूल इंजन है ना, तो इसमें पखा लगा हुआ है, रेडिएटर को ठंडा करता है। छोटी सी मशीनरी में क्या कुछ फिट किया हुआ है। कैलगरी के बाहर खड़े भाई, ये कैलगरी का एरिया, सारा कैलगरी है। अभी अगर मैं अंदर जाता हूँ ना, मैंने आपको पहले भी बोला, तो मेरा एक दिन ख़राब होता है। अभी 3:30 हुए हैं कैलगरी के, तो अभी रुकने का फ़ायदा नहीं है। आज मैंने अपने शरीर की नहीं सुनी, हिम्मत करके निकलते हैं थोड़ा बाहर। अरमान को मिलने का दिल कर रहा है यार। जब ऐसा बड़ा स्टॉप साइन होता है ना फोर वे, तो वो बात हो जाती है, एक आपका जाएगा एक हमारा जाएगा, एक आप एक हम। यहाँ पे पिक्का रुकेगा, फिर वो आएगी उधर से गाड़ी राइट वाली। देखा डबल ट्रेलर देख गया ना, इट मीन्स कि हाईवे 1 आ गया भाई जी। जिंदगी का जंगनामा देखते हुए सिंगल रोडों को छोड़ के वापस अपने डबल रोड के ऊपर आ गए हैं। मालूम नहीं कि आगे मेरा शरीर कितना जाने देगा मेरे को, लेकिन एक बार हाईवे 1 के ऊपर चढ़ के ये डाल लिया हमने लेफ्ट वाले ट्रैक में। आई नीड 91 ऑन नंबर 7 प्रीमियम, नंबर 7 $25 $25। देख लो भाई कितनी उम्र के बंदे काम कर रहे हैं हमारी तरह बेकार नहीं बैठे हुए। कनाडा इतनी गंदी चीज है भाई, बिना हेलमेट के आपको मौका ही नहीं मिलता बाइक चलाने। इतने मच्छर रहेंगे, इससे ज्यादा मच्छर नहीं आएंगे हेलमेट के ऊपर। ये बड़े लॉयल होते हैं भाई अपने परिवार के मेंबर के। जब इन्होंने देख लिया कि हमारा एक बंदा ऑलरेडी इस हेलमेट के ऊपर मरा पड़ा है, तो भाई दूसरा बंदा हिमाकत नहीं करेगा हेलमेट के ऊपर आने की। अभी मैंने इसको सारा साफ कर देना है, जैसे साफ करके रोड पे निकले फिर आएंगे 5-7-10-12 जितनी भी फैमिलीज होंगी उनको क्या कहकर मेंबर लगा लो। अभी यहाँ पे बैठ के ना मेरा सबसे पहला काम पता क्या है, होटल बुक करना है। यहाँ से 200 किलोमीटर ना मेडिसिन हैट है, वहाँ पे कोई होटल देखता हूँ, अगर मिल गया पहुँच जाएंगे वहाँ तक। नहीं पहुँचेंगे, होटल बुक किया होगा तो अपने आप पहुंचना पड़ेगा। जब मालूम होगा कि भाई $100-$150 जो है अपना वो फिनिश हो जाएगा, अगर नहीं पहुंचे वहां तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अगर इसमें क्रूज जाना होता तो भाई इस बाइक के ऊपर 100 किलोमीटर जाना भी बड़ा मुश्किल है। पीछे ना लाइव स्टॉक वाला ट्रक था जानवरों वाला, जैसे ही मैं उसको ओवरटेक करने लगा तो भाई अंदर से किसी ने भाई शुशु कर दिया। मैंने जल्दी जल्दी भाई सारी बाइक इस साइड पे की और मेरा बचाव हो गया। पीछे भी कोई नहीं आ रहा, मेरा पिछवाड़ा थक गया भाई, बस हो गई मेरी। ऐसे अपने पिछवाड़े को भाई सांस दिला लेते हैं बीच बीच में। स्पीड देखो कैसे कम हो रही है, मैंने ब्रेक भी नहीं मारी, इसकी इंजन ब्रेक चालू है भाई। मैं ट्रकों वाला हूँ ना, ट्रकों वाली पार्किंग में घुस गया, उधर जाना था कारों वालों में। चलो कोई चक्कर नहीं है, मोटरसाइकिल लेके आने से हमारा स्टेटस तो चेंज नहीं हो जाएगा ना। मेरे को सुसु आई है, यहाँ पे सुसु बने हुए हैं देखो। बोलते हैं चिल्ड्रन मस्ट बी अकॉम्पनीड बाय एन एडल्ट। 50 मिनट में 105 किलोमीटर, 128 पे क्रूज लगा दिया भाई, मैंने नहीं तोड़ा। उसका नाम लिए जा रहे हैं, सफर निकलता जा रहा है। लेकिन जब ये विनीपेग पहुंच जाएगी ना, ये मरम्मत मांगेगी पूरी अच्छे तरीके से। आपको मिलाते हैं एक बड़े जबरदस्त बंदे से, इनसे बातें हो रही हैं पिछले 15 मिनट से। ये पाजी का ये ट्रक है, गुजरात से है और इनको बड़ा शौक है बाइकों का। तो ये बोल रहे हैं कि मैं CBZ चलाता था 450-500 किलोमीटर, रास्ते में सुसु करने के भी नहीं रुकते थे। मैं तो पाजी 100 किलोमीटर के बाद में रुकता हुआ आया। ये सिस्टम सही लगा मेरे को, ये ना रेवेन्यू पे काम करते हैं, बढ़िया सिस्टम है। 25% है, 25% हाँ, जितना भी ट्रक कमाएगा उसका 25% इनको मिलता है। तो एवरेज लगा लो कि 10,000 महीना बन जाता है, सही है अर्निंग। ये BC से चलते हैं ऐसा कुछ बोलोगे? सस्रियाकल सारियानो, आ जाओ लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो हार्ड वर्क करो, अपने 100% एफर्ट लगा करके आगे बढ़ो, दुनिया की कोई ताकत तुमको रोक नहीं सकती। इन्होंने बड़ी बड़ी उम्र में 10वीं 12वीं की और अभी आईलेट भी किया और अभी ये PR होने वाले के हो गए। नहीं मसले PR हो गए, 2016 में आए थे, 7 साल लग गए इनको PR होने में। बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, चलो बाजी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बाजी। मैंने ये वाले होटल का ट्राई किया था विद्रम गार्डन,
लेकिन ये भाई यार हाउसफुल है। इसके आगे एक होटल मेरे को मिला है, लेकिन अभी जाके मालूम पड़ेगा कि वो कैसा है। मैंने सफर कर दिया आज 550 से ऊपर। यहाँ पे हमारा कहीं होटल होगा। ये बे माउंट अपना है, लेकिन बे माउंट को ऐसे लेफ्ट नहीं कर सकते, इन्होंने येलो लाइन दी हुई सॉलिड नहीं। ये मैंने बाहर खड़े होके ना पहले मैप में देखा, फिर आया। बे माउंट वाले भैया जी, वेयर आर यू? यहाँ शुरू करते हैं भाई। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा, सिंक देखो। और पहला होटल है जिसमें सारे प्रोडक्ट जो अपने को यूज करने के लिए मिले हैं, साबुन, लोशन, शैम्पू, ये सारे डव के हैं। शावर भी बड़ा बिंदास है देखो। और जल्दी जल्दी से इधर आ जाओ। बेड हमको दो ही मिलते हैं हर जगह में, दो क्वीन बेड है और बाकी ये तो आपको देख ही रहा है सारा। यहाँ पे कनाडा में ना एक प्रॉब्लम बड़ी होती है, होटल मिल जाते हैं लेकिन रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट ज़्यादातर होते नहीं है, ब्रेकफास्ट फ्री होता है। और ये होटल अपने को सिर्फ $76 का पड़ा है। बाइक है ना वो कितनी एवरेज दे रही है, वो बाइक अपनी जो है ना अगर आप 120-125 के ऊपर खींच के चलाते हो टैंकी फुल करने के बाद में 200 किलोमीटर के पहले पहले आप एक लाइट आएगी कि आपका फ्यूल अप कर लो। उसके बाद आप लाइट आने के बाद में आप 40-50 किलोमीटर बाइक आराम से चला सकते हो, उसमें 2-3 लीटर थली नीचे पेट्रोल होता है। तो अगर आप जा रहे हो 100 के ऊपर तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आराम से एक टैंकी भरो, 250 किलोमीटर तक आपकी लाइट नहीं आएगी। तो मैं हर 200 किलोमीटर के बाद में एवरेज $20 का फ्यूल भरवा रहा हूँ। वो कहाँ जाना पड़ेगा भाई, वो कहाँ होटल है? आपको मैंने बताया नहीं शायद, सुबह मैंने किसी से मांग के टूथपेस्ट की है, गोरी थी मेरे साथ रूम से निकली, मैंने बोला भाई रिक्वेस्ट है टूथपेस्ट मिल जाएगी, बोलती है। मैंने कल वाले होटल में भूल गया था, नहीं तो सुबह अपने मुंह से भी कुछ और ही निकलेगा। कोलगेट मिल गई, परफ्यूम मिल गया, ये भी मिल गया, दो पानी उठा लेते हैं भाई। 2-3 दिनों के बाद में ऐसा खाना देखने को मिला है। कल सुबह जल्दी उठना है, आपको मालूम है यहाँ से 1000 किलोमीटर है विनीपेग। अच्छा हो गया ना कैलगरी स्किप कर दिया, बड़ा अच्छा डिसीजन था। विनीपेग कैलगरी से 1350 किलोमीटर है। आज मैं कैलगरी में होता वहाँ घूम तो लेता, लेकिन फिर बाद में कल सुबह 350 किलोमीटर मैं नहीं कर सकता था, फिर मेरे को एक और दिन एक्स्ट्रा लगना था। कैलगरी स्किप करने का आइडिया जो भी ऊपर वाला करवाता है सही करवाता है भाई। इस वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल के ऊपर आए हो सब्सक्राइब कर लो, लाइक जरूर करो। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, टिल देन अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो, रब रखा, चढ़ती कला में रहना है। जितना मर्जी खराब होता रहा, आज मैंने मरू भी ज़्यादा नहीं किया होगा कि भाई हाय बहुत बुरा हाल है, बहुत कम किया मैंने। आज सोचा सुबह उठ के मैंने बोला यार ऐसा करने से कौन सी दर्द ठीक हो जाएगी ना, जहाँ भी खलियाँ पड़ी हुई हैं वो तो पड़ी रहनी है। राइड करो, सफ़र करो, जो इन्जॉय करने आए उसको इन्जॉय कर रहा हूँ। See us coming like left, right, left, right, oh.